जो अभी प्रोग्राम है पुडुचेरी का है, नमा का है, वहाँ हमारा जो यूथ एक्सचेंज यूथ का प्रोग्राम है, वहाँ हमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम वहाँ दिखाने हैं और अपने स्टेट का जो नाम है वो रोशन करना है, इस सिलसिले में हम वहाँ आए हैं। देखिए हम अभी 2000 स्टूडेंट्स के आसपास आ रहे हैं, तो हमारे पास जो अभी हमारी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, खासतौर से इंडोमा जा रहे हैं, यहाँ से कि हम दिल्ली वगैरह तो जा चुके हैं लेकिन ऐसी स्टेट में अभी तक नहीं जा चुके थे, लेकिन नेहरू युवा की वजह से हम वहाँ जा रहे हैं, तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी मेरा नाम आसिफ है, हम नेहरू युवा केंद्र एक्सचेंज है, कश्मीर एक्सचेंज यूथ क्लब से हम जा रहे हैं पांडिचेरी, ताकि हम वहाँ का कल्चर एक्सचेंज दिखे, ताकि हमें भी पता चले कि वहाँ का एक्सचेंज क्या है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज हम वहाँ पे अपना एक्सचेंज दिखा सकें, मतलब कल्चर एक्सचेंज दिखा सकें कि हमारे कश्मीर में क्या क्या है, जैसे कि हमारे कश्मीर में फरन ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ पर वो दिखाए, और हमें वहाँ से जाना पता चले कि उनका वो क्या, और खासकर वहाँ का मशहूर है नारियल पानी वो हमें, ताकि हमारे घर में वहाँ पर ममा का खाना नहीं मिल सके, हमें वही जाना है कि कल्चर एक्सचेंज मतलब यही होता है कि किस मुल्क किस स्टेट में कौन सा कल्चर है। तो हमारे साथ हमारे ये लीडर है राय रियाज, हमारे साथ जो बहुत ही सीनियर है हमारे इनाम सर, इसीलिए हम जा रहे थे इससे, और हमारा माइंड भी थॉट ऑफ एक्सचेंज होता है इससे, हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, हमारा ट्यूर भी अच्छा होता है, बाकी हम सबको पता है हमें वहाँ पे एक्सचेंज कल्चर एक्सचेंज। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बधाई देना चाहूँगा, उनका सलाम करना चाहूँगा, आदाब करना चाहूँगा। उसके बाद जो आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए जो आज है आज का प्रोग्राम जो हमारा है जम्मू कश्मीर स्टेट का, हमारे स्टेट से 10 डिस्ट्रिक्ट में से, हमारे वैली में से 6 डिस्ट्रिक्ट आज जा रहे हैं हम यहाँ पौंडीचेरी चेन्नई, उसमें मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से मुख्तलिफ स्टेटों से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, युवा हमारे आ रहे हैं, तो इसमें हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है कल्चरल शेयरिंग, जो भी हमारे मुख्तलिफ हमारे स्टेट्स में जो भी अपनी एक परंपरा है, अपना एक कल्चर है, उसी को हम शेयर करने जा रहे हैं बाकी हमारे दूसरे साथियों के साथ। कश्मीर की तरफ से हम श्रीनगर की तरफ से मैं अपने ग्रुप को लेकर आ रहा हूँ, मेरे साथ 20-22 लड़के हैं, तो हमने भी मुख्तलिफ इवेंट्स तैयार किए हुए हैं, इसमें कल्चर के कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, कुछ ड्रामा टाइप के कुछ रखे हैं, कुछ सॉन्ग्स रखे हैं, और इवेंट के लिए हमने एक बढ़िया सा प्रोग्राम रखा है। साथ में हमने जो हमारे कश्मीर का जो कि एक मशहूर नाम है वो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से, तो हम वहाँ पर एक छोटा सा एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें हमने जो हमारे पेपर माशी है या शाल काफी है, हमारे लड़कों ने खुद बहुत सारे आइटम्स तैयार किए हुए हैं, वो हम वहाँ पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि कश्मीर के जो युवा हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेन हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है, और दूसरा ये है कि हमारे युवा को पता चले कि बाकी जो हमारे स्टेट्स में हैं हमारे युवा कहाँ पहुँचे। मेरा जो है ज़ाती तौर से मैं बहुत सालों से इसके साथ रहा हूँ, इस वक्त मैं मोटी मोटी बातें कहना चाहूँगा कि इस वक्त करीब 2000 के लड़के हैं जो हमने मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ स्टेट्स में जाके उनको मुख्तलिफ जो है जॉब्स में लगा दिया है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो या जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हो या कुछ पढ़ाई के लिए हमने भेजा है। मकसद ये है कि युवा को हम एक अच्छा सा रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, ताकि क्योंकि हमारे स्टेट में आपको पता है कि करीब 8 लाख के करीब हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये चले जाए वहाँ पर, ये जाए वहाँ पर, ये देखें, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स की जो है एक ज़िंदगी बन जाए, ये हमारा मेन आज का मुद्दा है। थैंक यू सर।